मुख्यमंत्री मनोहर लाल दो दिन के रोहतक दौरे पर थे और वहीं बुधवार को सीएम रोहतक प्रगति रैली को भी उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने जिले को 700 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। स्थानीय नेताओं की तरफ से 250 से अधिक मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी गई थी, जिनमें से ज्यादातर को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को रोहतक जिले को लगभग 700 करोड़ रुपए की सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक के जाट कॉलेज मैदान में प्रगति रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान रैली में स्थानीय नेताओं की तरफ से 250 से अधिक मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी गई थी, जिनमें से ज्यादातर को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 7.5 साल पहले हमने रूढ़िवादी सिस्टम को बदलने का काम अपने हाथ में लिया था और हमने किसी भी इलाके, जाति या वर्ग के साथ भेदभाव न करते हुए सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मिशन मेरिट शुरू कर पात्र अभ्यर्थियों को नौकरी देना सुनिश्चित किया, तो वहीं ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाकर पारदर्शिता लाने की कोशिश की। 7.5 साल आज ठीक 7.5 साल हो गए हमको सरकार चलाते हुए। 2014 से हमने शुरू किया और उस समय क्या किया कि हमने जो पुराने यानी पुरातनवादी जो सिस्टम है, रूढ़िवादी जो सिस्टम है, लकीर के फकीर करके आए सरकार चलाई चले गए, आए सरकार चलाई चले गए। अगर ध्यान किया तो केवल अपना, अपने परिवार का, अपनी मतमंडली का, अपने पार्टी के लोगों का इतना ध्यान किया, जनता का ध्यान कभी किसी ने नहीं किया। और हमने आपने ही कहा था कि हम हरियाणा के लोगों की सेवा करेंगे जैसे परिवार की सेवा की जाती है, कि 2.5 करोड़ लोगों का मेरा परिवार है, इसकी हम सेवा करेंगे बिना किसी भेदभाव के। और 7.5 साल के बाद मैं दावे से कह सकता हूं कि किसी इलाके के साथ, किसी विधानसभा के साथ कोई हमने भेदभाव नहीं किया, किसी जाति वर्ग के साथ नहीं किया। हमने नारा दिया था हरियाणा एक, हरियाणा एक, क्योंकि पूरा हरियाणा एक है तो हरियाणा सभी एक है। रोहतक शहर को जाम से मुक्ति दिलवाने की दिशा में बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकारी कार्यालयों को सुनारिया रोड पर नगर निगम की 64 एकड़ भूमि में शिफ्ट किया जाएगा। इस कार्य पर 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम मनोहर लाल ने रोहतक जिले को 700 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। सिंचाई विभाग के 12 कार्यों के लिए 42 करोड़ रुपए की सौगात दी। मार्केटिंग बोर्ड की 18 सड़कें और एचएसबीपी के 16 कार्यों के लिए 38 करोड़ देने की घोषणा की। रोहतक जिला के शहरी क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 120 करोड़ रुपए की घोषणा की। ग्रामीण इलाकों के 5 ब्लॉक के लिए 102 करोड़ रुपए की घोषणा की। इस अवसर पर पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, संगठन मंत्री रविंद्र राजू, रोहतक के लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान, पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर, मेयर मनमोहन गोयल, सतीश नांदल, शमशेर खरकड़ा, राम अवतार वाल्मीकि मौजूद रहे। रोहतक से अनिल कुमार की रिपोर्ट।